नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। हम सभी की चाह रहती है कि हम एकदम परफेक्ट दिखें। हमारे जो नैन नक्श हैं उन्हें तो बदला नहीं जा सकता, हम अपने रंग रूप को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे संवार तो सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेस योगा, जिसे करने से आपके चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। बड़ा ही सरल सा अभ्यास है, आइए आप अभी मेरे साथ करें। पहला अभ्यास, अपने मुंह में हवा भरें और 10 की गिनती तक होल्ड करके रखें। रिलैक्स। जिस वक्त आप होल्ड करके रखे हुए हैं उस वक्त सांस लेते रहना है नाक से। दूसरा अभ्यास करेंगे, अपने राइट साइड वाले गाल में हवा भरें और होल्ड करके रखें। अब लेफ्ट साइड वाले गाल में हवा भरेंगे, होल्ड करके रखेंगे। रिलैक्स। दोनों गालों में फिर से हवा भरें और अपनी फिंगर को अपने लिप्स पर रख दें, इससे बड़ा अच्छा सा खिंचाव आएगा आपके गालों पर। महसूस हुआ गालों में खिंचाव? बहुत इफेक्टिव है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपका चेहरा अच्छा भरा भरा, त्वचा खिंची हुई और चमकदार नजर आएगी। अब आपको अपने लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है, उसके लिए चेहरे की मालिश करेंगे। अपने जो चीक बोन है आँखों के नीचे, यहाँ से शुरू करते हुए टेम्पल रीजन तक, ये मसाज आप करें। डीप ब्रीदिंग करते रहें साथ में, कम से कम 10 बार इस मसाज को करना है। ये करते वक्त आप चाहें तो अपने चेहरे पर जो क्रीम आप लगाते हैं वो लगा सकते हैं, ताकि आपकी उंगलियां स्मूथली चलें। 10 बार ये करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे, यहाँ से नाक के पास से शुरू करते हुए कानों तक अपनी फिंगर्स को लेकर जाना है। ये आपके स्किन में कोलेजन को बूस्ट करेगा, आपकी स्किन अच्छी खिंचावदार हो जाएगी। और कुछ लोगों को, जिनको शिकायत रहती है कि उनका चेहरा बहुत पतला सा नज़र आता है, उनके गाल भी अच्छे भरे भरे से हो जाएंगे इसे करने से। 8-10 बार ये करें। उसके बाद अपने जॉज के नीचे, ये आपके जॉ लाइन को भी अच्छे से डिफाइन करेगा, अगर डबल चिन की समस्या है उसे भी सॉल्व करेगा, और साथ ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम को बूस्ट करेगा। जब ये कर रहे हैं लंबी गहरी सांसें लेना ना भूलें, सांसें लेते रहें। और सबसे लास्ट में आपको अपने पूरे चेहरे को टैप करना है अच्छे से। फेस को यहाँ पे फोरहेड को टैप करें पूरा, इधर दोनों साइड में, दोनों हाथों से आप कर सकते हैं, एक हाथ से कर सकते हैं। गालों को टैप करें, नाक के नीचे, ठोड़ी पर, अच्छे से 2 मिनट बढ़िया से ये टैपिंग करेंगे एंड रिलैक्स। कितना टाइम लगा हमें? 2-3 मिनट लगे, और इतनी सी सार संभाल करने से आप अपने चेहरे पर एक नई आभा ला सकते हैं। तो जो रंग रूप हमें ईश्वर ने दिया है उसे हम एक्सेप्ट करें और उसे संजो कर रखें। आप ये प्रयोग रोज़ाना कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें।
नमस्कार।